हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चे के बारे में। What? इस चैनल पे तो स्किन केयर एंड प्रोडक्ट रिव्यू होता था। हाँ, तो वही तो होगा, बच्चे के साथ स्किन केयर। अरे पागल, तुम लोगों को क्या लगा मैं छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात करूंगी? पागल, मैं तो बात करूंगी बच्चे के बारे में, पर स्किन प्रॉब्लम का सबसे जिद्दी बच्चे के बारे में बात करूंगी, जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो पीछा ही नहीं छोड़ता, यानी कि डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन के बारे में। ये ऐसा जिद्दी बच्चा है, कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। और हमारे इस जिद्दी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भले ब्रांड्स को भी पता है कि हम लोग कितना ज्यादा परेशान है इस जिद्दी बच्चे से, तो इसलिए उन भले ब्रांड्स ने हमारे हेल्प के लिए स्किन करेक्टर फेस सीरम बनाया है। इसका मतलब है कितना ज्यादा सोचते हैं ये ब्रांड्स हमारे बारे में। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? ऑफकोर्स बनता तो है, हम भी अपना फर्ज निभाएंगे। पर कैसे? दो स्किन करेक्टर सीरम का कंपेयर करके। आज हम कंपेयर करेंगे मामार्थ स्किन करेक्टर फेस सीरम विथ नाइसिनामाइड एंड जिंजर का एंड द मोम्सको नेचुरल वीटा रिच फेस सीरम का। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दोनों का प्राइस। द मोम्को नेचुरल वीटा रिच फेस सीरम का प्राइस है 30 ml का 489 rupees और मामार्थ स्किन करेक्टर फेस सीरम का प्राइस है 15 ml का 349 rupees। तो प्राइस वाइज दोनों ही बहुत महंगा है। दोनों का प्राइस बट अगर क्वांटिटी वाइज देखे तो द मोम्स को मामार्थ से कम महंगा है, पर मुझ जैसे गरीब के लिए बहुत ही महंगा है। बट जो भी हो, इन दोनों को लेके मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है। सीक्रेट क्या, बताना? रुको जरा, सबर करो। सबर का फल मीठा होता है बाली के। सो मूव ऑन, इसके बाद देखते हैं दोनों ने क्या क्लेम किया है, मतलब कितना ज्यादा फेंका है। सबसे पहले देखते हैं मामार्थ का, क्योंकि मामार्थ इस मामले में बहुत ही ज्यादा तेज है। सो इसके मुताबिक इसमें नाइसिनामाइड है और ये एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है एंड स्किन ब्लेमिशेस को भी। देन इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट है और ये भी एक्ने स्पॉट को रिड्यूस करता है। इसके बाद स्किन पोर साइज को रिड्यूस करता है और रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के ऊपर तो ये सीरम मैजिक के जैसे वर्क करता है। और ये सीरम सल्फेट, पेराबेन, SLS, पेट्रोलियम, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव एंड कलर फ्री है। क्या क्लेम किया है इसने, सुन के तो लेने का मन कर रहा है। इसके बाद द मोम्सको ने क्लेम किया है उनके इस सीरम में विटामिन सी, B3, B5, E एंड हाइलुरोनिक एसिड है, जो स्किन के पिगमेंटेशन एंड फाइन लाइन से फाइट करता है। देन इसके बाद इसमें काकादू प्लांप है, जो स्किन को ब्राइटन करता है और स्किन को डीपली क्लीन करता है एंड ए मिनरल ऑयल SLS, SLES, पेराबेन, DEA, TEA, पिनेक्सथनोल, फ्रेग्रेंस एंड PEG फ्री है। यार, इसने भी तो गजब ही क्लेम किया है, मजा ही आ गया। इसका मतलब दोनों ही फेकू नंबर वन है। सो इसके बाद देखते हैं दोनों का इंग्रेडिएंट लिस्ट। और सबसे पहले मामार्थ का, इसमें यूज हुआ है एक्वा प्लांट बेस्ड नाइसिनामाइड, प्लांट बेस्ड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ग्लिसरीन, नेचुरल जिंक PCA, डी इथाइलो ग्लाइकोल मोनो इथाइलो इथर, नेचुरल पिनेक्सथनोल, नेचुरल हाइड्रो ऑक्सी इथाइलो सेलुलोज, नेचुरल जेंथोन गम, नेचुरल सिट्रिक एसिड, नेचुरल फ्रेग्रेंस, नेचुरल सोडियम ग्लूकोनेट, जिंजर एक्सट्रैक्ट, सोडियम बेंजोएट, नेचुरल बेंजिल अल्कोहल। तो इसके बाद देखते हैं द मोम्सको का इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें यूज हुआ है एक्वा आर्गन कर्नल ऑयल एलेंसन, नेचुरल C12 15 एल्कलाई बेंजोएट, नेचुरल केप्राइल ग्लाइकोल सिट्रिक एसिड, इथाइलोहेक्सिल ग्लिसरीन, लिसेथिन, मिथाइल पेराबेन, नाइसिनोमाइट, ऑरेंज एसेंस ऑयल और भी इनके जैसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट। सो इसके बाद चलो कंपेयर के रिजल्ट की ओर। रुक, पहले सीक्रेट पता एंड में बताती हूँ। दोस्तों, मामार्थ फेस सीरम में सिर्फ एक ही सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है और उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरे द मोम्सको में 3-4 सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है और उसमें से सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट का थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, और वो इंग्रेडिएंट है सोडियम हाइलुरोनेट, और दो इंग्रेडिएंट का साइड इफेक्ट तो है पर स्किन में नहीं। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स प्लीज इसे यूज मत करना। सो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही फेस सीरम बहुत ही अच्छा है और दोनों का ही यूज किया जा सकता है। अब तो बता दे सीक्रेट। ओके, बताती नहीं, दिखाती हूँ। दोस्तों, मामार्थ के इस फेस सीरम को मैं पहले से ही यूज कर रही हूँ, पर ये मेरा नहीं है, फेस सीरम भी उधार का है। मैं गरीब हूँ।
बट इसे यूज करके मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा है कि मैंने भी इसको ऑर्डर कर दिया है। और इसके डिलीवर होने के बाद मैं इसको एक मंथ तक यूज करूंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी। सो दोस्तों, आज यही तक, पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो।